तो हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही तगड़ा ब्लूटूथ अनबॉक्स करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं अल्ट्रा पॉड्स प्रो, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो इसकी सारी अनबॉक्सिंग और सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो चालू करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, अच्छे अच्छे कमेंट कर दे, क्योंकि ये चैनल पर होने वाला है हमारा 500 सब्सक्राइबर पूरे। तो जल्द से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए। तो चलते जाते हैं अपने वीडियो पे और दिखाते हैं आपको सारी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आ गया हमारा ईयरबड्स और यहाँ लिखा है अल्ट्रा पॉड्स प्रो वायरलेस 5.3। यहाँ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और पीछे भी आप सब देख सकते हैं, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर अब क्या है। तो सिंपली हम ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल देखने को मिल जाएगा, इसको साइड करते हैं। ये आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा, इसको भी हम लोग करते हैं साइड। और आप सब देख सकते हैं भाई, ये आ गया हमारा ईयरबड्स जो आप देख सकते हैं, और बॉक्स को हम करते हैं साइड। अब बात करेंगे हमारे ईयरबड्स की। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बॉडी की। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं फ्रंट फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, नीचे के साइड आपको चार्जिंग टाइप सी चार्जिंग मिल जाएगा। और बात कर ले इसके बॉडी की, तो बॉडी आप पूरा ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। और ट्रांसपेरेंट बॉडी की बात करूँ तो प्लास्टिक मुझे बहुत अच्छा लगा, हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आपका केस गिरता भी है तो आपको टूटने का चांस बहुत कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बड्स की क्वालिटी की। तो सिंपली मैं दोनों साइड से बड्स निकाल लेता हूँ, आप सबको दिखा दूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं, जैसा कि बॉडी में प्लास्टिक दिया है, सेम अपने को बड्स में भी प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम। बात कर ले तो इसके अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी मुझे हार्ड देखने को मिल जाती है, और बॉडी बहुत ही मैट फिनिशिंग में आता है। और इसके रबड़ की भी बात करें तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ चार्जिंग पिन दिया हुआ है बड्स में। आप सब देख सकते हैं ये R लिखा है, मतलब ये राइट वाला बड्स है, ये L लिखा है मतलब लेफ्ट वाला बड है। तो बॉडी में तो बोलूँगा ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा बड्स लगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपने बड्स को कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो सिंपली हम बड्स अपना केस से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक में लाइट जल रहा है, एक में नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब है, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट होगा तो ये भी आपके फ़ोन के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं गेटिंग डिवाइस नेम आ रहा है, तो यहाँ TWS नाम करके लिख के आ जाएगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारा बड्स पूरी तरह हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आपके फ़ोन के कनेक्ट होने के बाद आप इस बड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा राइट ईयरबड्स है और ये मेरा लेफ्ट वाला ईयरबड्स। तो चलिए आपको बताता हूँ इसके फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर आपको सॉन्ग प्ले या पॉज करना है तो आप कोई भी बड्स पर सिंगल क्लिक करेंगे तो सॉन्ग प्ले या पॉज हो जाएगा। बात कर ले वॉल्यूम अप करना है तो राइट बटन पे आपको डबल टैप करना है तो आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और वही अगर आप लेफ़्ट वाले पे डबल टैप करोगे तो आपका वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होगा। बात कर ले कॉल रिसीव करने के लिए, तो कोई भी बड्स पे आप सिंगल टैप करोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, और रिजेक्ट करने के लिए भी सिंगल टैप करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि इनकमिंग कॉल को आपको कट करना है तो आपको कोई भी बड्स को 2 सेकेंड के लिए टैप करके रखना है, जिससे आपका जो है इनकमिंग कॉल जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कि आपको गूगल असिस्टेंट ऑन कैसे करना है, इसमें तो कोई भी बड्स पे आप अगर ट्रिपल टैप करते हैं तो आपका जो है गूगल असिस्टेंट या आप में कोई भी असिस्टेंट होगा वो ऑन हो जाएगा। बात कर ले अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो आप राइट वाले बड्स को होल्ड करके रखेंगे 1 सेकेंड के लिए तो आपका जो है सॉन्ग नेक्स्ट पे चला जाएगा। वही बात कर ले प्रीवियस की, तो आप सिंपली एक लेफ्ट वाले बड्स पे 1 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप अपने बड्स को अपने केस से बाहर निकालोगे तुरंत आपके फ़ोन से कंपेयर हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको सामने दिखाता हूँ। मैंने बड्स निकाला केस के बाहर,
और आप सब देख सकते हैं तुरंत हमारा जो है बड्स जो है कनेक्ट हो गया अपने फ़ोन के साथ। और जैसे ही मैं बड्स को अपने अंदर डाल देता हूँ तुरंत आपके फ़ोन से साथ देख सकते हैं आप लोग डिसकनेक्ट हो गया। तो ये फीचर्स मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, अब चलिए मैं आपको बड्स का जो है साउंड टेस्ट करा देता हूँ कि आपका साउंड कैसे आता है। और एक जो ईयरबड्स है मैं लगा दूंगा अपने माइक के पास। तो फ्रेंड्स बात कर ले इसके केज में फिट होने की, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये दोनों मैंने केज में रख दिया है और मैं आप सभी के सामने इतना शेक करके दिखाया मगर कोई भी बर्ड्स जो है गिरा नहीं और बहुत ही अच्छे से इसमें फिट हो जाता है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बात करूँ तो इसमें 5.3 का ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि 10 मीटर तक आपका ब्लूटूथ जो है ईयरबड्स जो है आपके फ़ोन के साथ इजीली कनेक्ट रहेगा। बात करूँ इसके बैटरी बैकअप की तो बैटरी बैकअप फ्रेंड्स 5 आवर का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है, तो कॉलिंग टेस्ट भी अभी हम करेंगे। और बात कर ले इसके पावर बैंक के चार्जिंग की तो इसमें 200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो आपके बड्स को दो बार तो आराम से फुल चार्ज कर देगी। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं आपके ईयर में कितने अच्छे से ब्लूटूथ जो है फिट हो जाता है जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अभी छत पे और मैं आप सभी को कॉलिंग टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये फ़ोन से जो है मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया हूँ, तो चलिए अब अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और आपको सारी डिटेल दिखाऊं कि कॉलिंग टेस्ट कैसा है। जो हवा आ रहा है तेरे को सुनाई पड़ रहा है वो? नहीं नहीं क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आवाज आ रही है। हाँ तो तू 10 में से कितना स्टार देना चाहेगा कॉलिंग को? कॉलिंग को 10 में से 1 स्टार तो मिनिमम होना चाहिए। 8 स्टार? हाँ ठीक है भाई ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा हमारी कॉलिंग टेस्ट हो गई है, तो मेरा दोस्त बोला कि 8 स्टार तो देना ही चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिसाइड है, आप वीडियो देख के आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कितना स्टार देना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं जैसा कंपनी क्लेम करती है 10 मीटर। तो हम यहाँ अपना फ़ोन रख दिए हैं और यहाँ सॉन्ग प्ले कर लेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो सॉन्ग प्ले हो चुका है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो है ब्लूटूथ जो है मैं एक अपने फ़ोन के माइक के पास रखूंगा और हम पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना दूर तक आपका ब्लूटूथ जो है कनेक्ट रहता है आपके फ़ोन के साथ। फ्रेंड्स छत पे जो है बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है और तो भी मैं इतना दूर आ गया हूँ, वो देख सकते हैं वहाँ है मेरा फ़ोन। फ्रेंड्स यहाँ मेरा फ़ोन है और मैं इतना दूर आ गया हूँ हवा के कारण जो है हमारा ब्लूटूथ यहाँ से डिसकनेक्ट होने लगा है, मतलब डिसकनेक्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा फ्लक्चुएट होने लगा है, थोड़ा साउंड जो है रुक रुक के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 मीटर तो आपका ब्लूटूथ जो है ईजिली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहेगा और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और फ्रेंड्स बात कर लूँ अगर मैं इसके आउटडोर साउंड की, तो आउटडोर साउंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर साउंड सुनाई पड़ रहा है आपको आउटडोर में भी और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा है। आउटडोर साउंड कनेक्टिविटी कॉलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस ईयरबड्स की सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, सब कुछ मैं आपको दिखा दिया हूँ, कॉलिंग टेस्ट, फिर कितने दूर तक कनेक्ट रहता है, साउंड क्वालिटी। तो फ्रेंड्स चलिए अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे जिसमें हम अपने कोई भी जो भी प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं उसको स्टार देते हैं। तो फ्रेंड्स बात कर लें इसके बॉडी क्वालिटी की, तो बॉडी क्वालिटी में मैं इसको इजीली 10 में से 9.5 देना चाहूँगा क्योंकि इसकी बॉडी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो उसमें भी मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा क्योंकि अच्छा खासा आपको जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो उसमें मैं थोड़ा कम देना चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से कम 8 आवर का बैटरी बैकअप इसमें होना चाहिए था, तो उसमें मैं 10 में से इसको 7 देना चाहूँगा। और बात कर ले इसके साउंड क्वालिटी की तो साउंड क्वालिटी में भी अच्छा खासा मैं इसको स्टार देना चाहूँगा 10 में से 9।
क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी इंडोर हो या आउटडोर हो मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करें इसके कॉलिंग की, तो कॉलिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको भी मैं देना चाहूँगा 10 में से 8। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।